जय माता रानी के मित्रों को। दोस्तों, मैं आज छोटे छोटे लेकिन अचूक आपको ऐसे टोटके बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जो कपूर से संबंधित हैं। ज़्यादातर कपूर के उपाय हैं। आपको मालूम है पेड़ की छाल से बनता है कपूर और बिल्कुल शुद्ध होता है और किसी भी तरह की परेशानी, नेगेटिव एनर्जी वगैरह को ये हटा देता है। और इसमें एक चीज़ विशेष बात है कि इसकी गंध ऐसी होती है जो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसके लिए तो ये अच्छी होती है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसके लिए ये गंध दम घोंटू होती है। तो ये बहुत मतलब चमत्कारी चीज़ है। कपूर के उपाय हमारे हिंदू धर्म में, अध्यात्म में बहुत चीज़ों में बताए गए हैं और बहुत तरीके से कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको ऑक्सीजन की समस्या हो तो भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि जीवनदायक होता है, ठीक है ना। तो कपूर के छोटे छोटे उपाय मैं आपको बहुत ऐसे बता देता हूँ जो आप घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है साहब। तो चलिए छोटे छोटे कपूर के उपाय का मजा लीजिए। और जो एक चीज़ आपको बता दूँ, वैसे मुझे कई मेरे शिष्य वगैरह कपूर देख के जाते हैं, मैं उनको उनके लिए भी एक बात बता दूँ। अब वो प्रेम से देखे जाते हैं इसलिए मैं उनसे कुछ कहता नहीं हूँ। कपूर हमेशा चपटे और बड़े बड़े टुकड़े वाला लेना चाहिए, डेढ़े वाला, बड़ी बड़ी वो छाल सी आती हैं बनी हुई, वो कपूर बहुत बेस्ट और बिल्कुल सही, मतलब कहते हैं शुद्ध कपूर वही होता है। इंग्लिश में इसको कैम्फर कहते हैं। तो ये इसका रंग होता है जो एक ही प्रकार का होता है, उसके उस पर नहीं आता है। बाकी जो छोटी छोटी टिक्कियाँ होती हैं उसको उतनी विशेष शुद्धता से नहीं बनाया जाता, उसमें कुछ मिला भी देते हैं क्योंकि मोम वगैरह मिला देते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं इसमें, जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो मिला देते हैं। कपूर काफ़ी महंगा चलता है मार्केट में, इसके जो रेट चलते हैं 1200 से 1800 के बीच में चलते हैं। अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। जो हम लेते हैं बढ़िया वाला पूजा वाला कपूर होता है, वो डेले टुकड़े वाला कपूर होता है, चपटे टुकड़े आते हैं, तो वही कपूर आपको लेना चाहिए, वही फ़ायदेमंद होता है पूजा में। बाकी जो टिक्की वाला होता है वो तो आप मंदिर वगैरह में ले जा करके वैसे जला सकते हैं, बाकी जो साधना पूजा में आता है वो टुकड़े वाला, बड़ा टुकड़े वाला कपूर आता है। और जो इस कपूर को जो हम कह करके लाते हैं वो होते हैं भीमसेनी कपूर, जो डेले वाला कपूर होता है भीमसेनी कपूर होता है, और यही काम आता है पूजा पाठ में भीमसेनी कपूर। तो सिंपल कपूर उसमें काम नहीं आता है क्योंकि वो तो कई तरीके मसाले से कई केमिकल मिला के बनाया जाता है, तो वो काम नहीं करेगा आपका। इसमें आपको सबसे पहला जो बताता हूँ, जो मैं ज़्यादातर कर चुका हूँ और करता ही रहता हूँ बीच बीच में, ये रोज़ भी कर सकते हैं आप, कपूर की एक टिक्की लेकर के और दो लौंग, मतलब यानी कि एक लौंग का जोड़ा लेकर के कपूर पर रोज़ शाम के समय पर जलाएं, या सुबह पूजा करते हैं तो सुबह का समय आपका पूजा का तो सुबह जलाएं। जो भी देवता की आप पूजा करते हैं, माता रानी की वगैरह की, तो उनके नाम से भेंट आप दे सकते हैं। छोटा सा लेकिन बहुत अचूक उपाय है ये। और एक दूसरा उपाय बताता हूँ आपको, एक कपूर की टिक्की, ठीक है ना, एक कपूर की टिक्की, एक हल्दी की गांठ, दो लौंग और 5 काली मिर्च, सफ़ेद वाले तिल थोड़े से चुटकी भर, इनको लेकर के पुड़िया बांध लें। तो पुड़िया बांधने के बाद आप इसको जे टोटके के संग मंत्र प्रयोग भी है थोड़ा सा, और एक मंत्र बता आपको बताता हूँ, ओम श्रीम श्री नमः, इसकी एक माला करने के बाद उसमें फूंक मार करके और आप अपनी जेब में डाल दें, तो आपकी जो रोज़मर्रा की इनकम है उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। और वो कपूर ही आदमी का दिमाग खराब देगा सामने वाले का, वो आपके लिए तत्पर हर कार्य में हाजिर होगा, ठीक है ना। एक चीज़ एक आपको एक उपाय और बताता हूँ अचूक, जो महालक्ष्मी का लाने का है, किसी भी एक शीशी में, किसी भी बड़ी बोतल वगैरह में आप भीमसेनी कपूर को कूट लें, थोड़ा सा कूट करके उस बोतल में डाल दें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, एक चुटकी हल्दी। हल्दी पवित्र होती है, एकदम पवित्र होती है, और डालने के बाद उसको आप बंद करके रख लें। रोज शाम को 7 बजे के बाद या फिर अंधेरा होने के बाद, चटपटा होने के बाद, उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर के और अपने एक तो आपके मुख्य द्वार पर और उससे जो सटे हुए जो द्वार हैं, जो जिसमें घर से घर के अंदर की जो एंट्री होती है, उन सब में उसको डालें। इससे आपको जो धन लाभ होगा वो दिखेगा, जो भी आप घर में लेकर के आएंगे वो बचेगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा संध्या काल के बाद ही आती है घर में, तो वो आगमन होगा, वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है ना। हल्दी और कपूर पानी में, और इसमें गंगा जल की 2 बूंद और डालेंगे, ध्यान रखिएगा ये पूरा प्रयोग है। शाम के समय पर अगर घर में आप आरती वगैरह करते हैं या सुबह के समय आरती करते हैं तो उसमें कपूर आरती जरूर करें। एक भले इतना सा टुकड़ा कपूर का लें, उसमें कपूर मतलब उसमें उसको जला करके और ठाकुर जी के दिए के अलावा आप किसी बर्तन में रख के कपूर आरती अवश्य करें। इससे बहुत ज़्यादा गुना फल मिलता है
एक सामान्य दीपक के मुकाबले, ठीक है ना। कपूर आरती जो होती है, जो विशेष बड़े मंदिरों में ही होती है, तो वो आपको समझना चाहिए वो क्यों होती है, उसके पीछे कारण है। उसमें साक्षात महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है उस स्थान विशेष के लिए जहाँ पर वो आरती होती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप घर में करते हैं तो आप घर के लिए स्थान विशेष के लिए माता लक्ष्मी का आगमन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको एक उससे भी विशेष स्पेशल और अचूक उपाय बता रहा हूँ। पहले तो ये चेक करें कि आप गाय के गोबर का ही कंडा लें, जो कंडे उपले होते हैं वो गाय के गोबर का लें। ये बड़ी से बड़ी मतलब आपके घर में जो दरिद्रता है उसका नाश का उपाय होता है, और छोटा सा लेकिन बहुत अचूक है। उस कंडे के टुकड़े को लेकर के और उस पर कपूर डालें, पहले तो कपूर डालें, थोड़ी सी उसमें शक्कर या खांड डालें, या फिर ना हो तो एक पतासा रख दें। इसको हाथ न जले आप, ताकि आपका हाथ नहीं जल जाए, इसलिए किसी थाली वगैरह में, प्लेट वगैरह में, इसको स्टील वगैरह में इसको रख लें। पहले तो उस कंडे को जलाएं आप, फिर उस पर कपूर डालें आप। कपूर इस तरह डालना है, कंडा जल जाए कपूर डालें, कम कपूर इस तरह डालना है कि वो लपट नहीं बने, वो धुआं निकलता रहे, समझ गए आप। और उसके ऊपर बतासा रख देना है आपको, और इसको लेकर के आप अंदर वाले रूम से घूमते घूमते घुमाते दिखाते 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 हाथ से यूँ करते करते तो पूरे अपने घर में जहाँ भी आप रहते हैं घूम जाएं। घूमने के बाद आप दरवाजे पर आकर के, जो आपका आपका खुद का मेन मेन गेट, उस पर रख करके और ये शब्द बोलें, हे लक्ष्मी आप यहाँ से विदा हों और माता लक्ष्मी को आने दें, बस इतना कह दें आप। शुक्रवार का ये उपाय है, और प्रत्येक इसको शुक्रवार को इसे कर लेते हैं तो 5-6 शुक्रवार होते ही आपको अपने घर में अच्छी खासी बरकत दिखेगी। आपके लोगों के जो माइंड है, आपका आपके लोगों का जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। आपके कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के घर में ऐसा मामला होता है कि उसके घर में जाते ही उसको दिमाग उसका ख़राब हो जाता है, वो सब सही हो जाएगा। मानसिक टेंशन रहती है किसी प्रकार की, किसी की काम की, व्यापार की, शादी वगैरह, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जिस प्रकार की टेंशन है या जो प्रकार का आपका परेशानी चल रही है, वो उसी प्रकार से ख़त्म हो जाएगी। ये छोटा सा उपाय लेकिन बहुत अचूक है। 33 कोटि देवता होते हैं गाय में, तो जी उससे संबंधित उपाय समझ लीजिए आप। इसमें आपको भीमसेन ही कपूर ही लेना है, जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसमें भीमसेन ही कपूर चलता है, पूजा पूजा जाता है तो वो लेना है। ये कपूर एक तरह से तांत्रिक कपूर भी कहलाता है, सिंपल होता है लेकिन अचूक होता है, ठीक है। और अब मैं आपको एक और अचूक उपाय बताता हूँ, अब एक और तगड़ा उपाय। पहले तो आपको व्यवस्था करनी है कमल के फूल की। कमल का फूल बहुत सी जगह तो बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे हमारे हमारे सिटियों में तो बहुत आसानी से मिल जाता है, फूल वाले आराम से ला के दे देते हैं। तो यदि नहीं मिलता है तो फिर गुलाब के फूल, कमल का एक फूल होगा तो गुलाब के 9 फूल चढ़ेंगे। किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान हो विष्णु जी के संग, जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान हो विष्णु जी के संग, वहाँ पर जाना है आपको फूलों को लेकर के। प्लस कपूर, भीमचंद कपूर की डेली ले जानी है, प्लस एक दीपक अलग से लेकर के जाना है, घी का बना हुआ घर से ही, और थोड़ी सी मिठाई आपको मतलब श्वेत या पीले कलर की लेकर के जानी है, ठीक है ना, शुद्ध खोए की। या घर में बना सकते हैं कुछ भी हलवा वगैरह, तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपको पहले तो माता को ये अर्पित करने हैं फूल, कमल का अगर मिल जाता वो, नहीं तो गुलाब के, ठीक है ना। केवल शुक्रवार है, ध्यान रखिएगा, केवल शुक्रवार को अर्पित करने हैं। आप नहीं कर सकते, पुजारी जी से कहकर के अपने सामने चढ़वाइए फूल को, और 51 रुपये की माता दक्षिणा दीजिए, 51 रुपये, और 51 नहीं तो 11 रुपये आप देंगे, ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी क्षमता के ऊपर है। देने के बाद आप कपूर को वहाँ जलवाइए, या आप खुद जलाएं तो बढ़िया है, आप जला करके अंदर रखवा लें, पुजारी जी से कह करके दीपक वगैरह पकड़ के दीपक वगैरह लेके जाइएगा पूरा, और वहीं बैठ करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लें, हे माँ मेरी दरिद्रता का नाश हो और मेरे सब कार्य सिद्ध हो। और मिठाई को प्रसाद लगवाइए, थोड़ी सी मिठाई माँ बंटवा दीजिए, बाकी मिठाई आप लेकर के आइए घर में सबके लिए। ये छोटा सा उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। मैंने जितने उपाय बताए हैं ये सब अजमाए हुए हैं, और विधान किस्म बता दिए मैंने आपको। इसमें
कुछ उपाय में मंत्र क्रिया भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जी बिना मंत्र क्रिया के काम करते हैं। मंत्र क्रिया में यदि आप उस समय मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्रीय नमः या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, बस इस मंत्र से ही आप कार्य कर सकते हैं। और अभी कपूर के कम से कम 101 उपाय मेरे पास हैं, तो मैं उसको बाद में दूसरी वीडियो में डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो बन जाते हैं, फिर 10 मिनट तो हो गए 3-4 उपाय में। तो 101 उपाय कपूर के मेरे पास हैं कम से कम लिखे हुए पुराने समय से, तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।